सत्यपति पारस अगर एनडीए गठबंधन से अलग हो जाते जो लगभग तय माना जा रहा है, मंजी अगर यहाँ पर तय हो यहाँ पर अलग हो जाते जो लगभग तय माना भी जा रहा है, ऐसे में चाहे यहाँ पशुपति पारस इतने प्रबल दावेदार ना हो उन सीटों पर भी जहाँ वे बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कुछ हद तक तो वे वोट बैंक जरूर अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। क्या बीजेपी की क्या एनडीए की चुनौतियां वे बढ़ाने वाले? देखिए मुश्किल बिल्कुल आपने कहा बढ़ेगी जरूर, क्योंकि अगर आप देखें तो पशुपति पारस जो है चिराग पासवान से बहुत सीनियर है, राजनीति में काफी बार कह सकते हैं उनका जो अनुभव है वो उनके साथ में जरूर आएगा। और देखिए सबसे बड़ी बात की क्या चिराग पासवान के साथ में वो इमोशनल अटैचमेंट लोगों का है, क्योंकि अभी कुछ ही बरस हुए उनको राजनीति में आए हुए, दो बार के वो सांसद हैं और वो सांसद अपने पिता की वजह से बने हैं। जम्मू की जनता के लगातार बयान आप सुने तो यही बात कहते हैं कि जो हमारे सांसद हैं वो जम्मू में कम और एक तरीके दिल्ली में ज्यादा रहते हैं, ये बात लगातार उठती नजर आई। और जब हाजीपुर को लेकर ये बात हुई कि यहाँ से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे तो यही बात अक्षय कहा गया कि क्या अब जमुई की जनता ने चिराग पासवान को नकारने का मन बना लिया, इसलिए डर की वजह से वो हाजीपुर जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो हाजीपुर ही वो सीट है जिसकी वजह से सारा मसला कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आया। इससे पहले इस सीट के ऊपर जो चिराग पासवान के पिता कह सकते हैं कि रामलाल पासवान चुनाव लड़ते हुए नजर आए, जैसे निधन होता उनके भाई यहाँ पर नजर आते हैं और पशुपति पारस, लेकिन जिस तरह से अब चिराग पासवान ने जिद करके बैठ गए कि नहीं हाजीपुर सीट मुझे वापस चाहिए क्योंकि ये मेरे पिता की सीट है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पशुपति पारस बोले कि अगर आपके पिता थे तो मेरे भी तो वो भाई थे, तो यहाँ पर जो पारिवारिक झगड़ा था वो होता हुआ नजर आया अक्षय। और अब जब ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ जो है कह सकते हैं पारस जा सकते हैं, तो क्या यहाँ पर चिराग पासवान उनको वापस मनाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि आपने एक वीडियो में देखा होगा जहाँ जो चिराग पासवान से पूछा गया तो कहते हैं कि भाई वो घर के बड़े हैं, अगर वो अब वापस आते हैं तो ये हमारे लिए सम्मान की बात होगी। तो कई तरह की चीजें हैं, लेकिन जिस तरह का पारस का रुख लग रहा है देख के लगता नहीं कि वो वापसी की राह कोई चुनने